ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি অলিম্পিক 2021-এর মহিলা বক্সিং -50 কেজি কুমোতে বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতলেন রঞ্জিতা সিনহা। খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি অলিম্পিক 2021 খেলায় মহিলা বক্সিং -50 কেজি কুমোতে বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতলেন রঞ্জিতা সিনহা। খেলাটি বেঙ্গালুরু জৈন ইউনিভার্সিটিতে 30 এপ্রিল থেকে 2 মে পর্যন্ত 3 দিনের খেলো ইন্ডিয়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ব্রোঞ্জ পদক হাসিল করেন। এর আগে অল ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি কুরুক্ষেত্রে হরিয়ানার খেলায় দেশের জন্য সিলভার অলিম্পিক পদক নিশ্চিত করে ফেলেছিল রঞ্জিতা। পশ্চিমবঙ্গের চিত্তরঞ্জন শহরের মেয়ে রঞ্জিতা সিনহা তার প্রাইমারি পড়াশোনা চিত্তরঞ্জন থেকেই, তবে এখন তিনি হরিয়ানার অল ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে BPES স্পোর্টস অনার্স নিয়ে পড়াশোনা করছে। চিত্তরঞ্জন শহরের মেয়ে রঞ্জিতার এই পদক জয়ে খুশি চিত্তরঞ্জনবাসী সহ তার পরিজনেরা। রঞ্জিতা সিনহার পিতা রঞ্জিত কুমার সিনহা চিত্তরঞ্জন রেল শহরের কস্তুরবা গান্ধী হাসপাতালের কর্মচারী পদে রয়েছে। তার ভাই রণবীর সিনহাও একইভাবে এই ক্যারাটে খেলার সঙ্গে যুক্ত। রঞ্জিতার পিতা রঞ্জিত সিনহা জানান, তার মেয়ের প্রতি অনেক গর্ববোধ হয়। বহুদিনের স্বপ্ন ছিল তার মেয়েকে ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপের এক উঁচু জায়গায় দেখার। তবে তার মেয়ের ব্রোঞ্জ জেতার পর স্বপ্ন পূরণে অনেকটাই আশার আলো জ্বলে উঠেছে। তার মা জানান, এখনকার সমাজে ছেলে মেয়ে সবাই সমান, তাই আমার পরিবারে এক মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে, দুজনকেই একই শিক্ষা দিয়ে আসছি। এমন নয় যে মেয়ে বলে ক্যারাটে বক্সিং এসব শেখা মানা, কারণ এখনকারের জন্য তাদের এই শিক্ষা অনেকটাই আত্মরক্ষার কাজও করবে। রঞ্জিতার অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ জানান, রঞ্জিতার এই সাফল্যের পিছনে তার মা ও বাবার সাথে সাথে প্রধান কোচ বিষ্ণু ভগবান শর্মার অবদান অনেকটাই রয়েছে। যেভাবে তিনি চিত্তরঞ্জন শহরের এরিয়া 3 কমিউনিটির হলে সকলকে প্রশিক্ষণ দেন, রঞ্জিতার এই সাফল্য চিত্তরঞ্জনের গর্ব। क्या बोलना चाह रही हो? तो तुम अभी तो टॉप किए हो चित्तरंजन से, तो इसके लेकर क्या बोलना चाहती हो? और कैसे कैसे तुम किया इतना दूर तक जो मेडल जीता, तो कैसे किए तुम? फर्स्ट तो LNCT का यूनिवर्सिटी गेम का नेशनल हुआ था कुरुक्षेत्र में, जहाँ से मैंने -50 kg वेट में सिल्वर मेडल जीता। और खेलो इंडिया के लिए टॉप 8 में सिलेक्शन हुआ मेरा, और मैं खेलो इंडिया के लिए पार्टिसिपेट कर पाई, और वहाँ पर मेरे वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल रहा। तो यह वेस्ट बंगाल से की तुम अकेले एक लड़की गई थी क्या? हाँ, वेस्ट बंगाल से मैं अकेले ही गई थी मेरे वेट कैटेगरी में। कितने वेट कैटेगरी था? -50 तो। और मतलब कौन सा, कहाँ कहाँ से आए थे एवं कैसे तुम्हारा खेल रहा, मैंने खेल का जो अनुभूति रहा कैसा रहा? खेल का अनुभूति तो बहुत ही अच्छा रहा, और भी बहुत कुछ सीखने को मिला आगे के लिए। तो तुम्हारा पढ़ाई कहाँ से हुआ? मेरा पढ़ाई चित्तरंजन से ही हुआ है, बाकी मेरा ग्रेजुएशन LNCT भोपाल यूनिवर्सिटी से हो रहा है। तो वहीं पर पढ़ रही हो अभी? हाँ। अच्छा, उसके बाद घर में पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा रेलवे में हैं, KG हॉस्पिटल मसालसी उनका रिजर्वेशन है। और घर में कौन कौन रहते हैं? मेरे घर में मम्मी पापा, बड़ा भाई है और छोटी सिस्टर, और मैं हूँ। खेलने का क्या करना, क्या बनना चाहती हो तुम? मुझे बहुत अच्छे लेवल पर टूर्नामेंट खेलना है, और मैंने ज़्यादा इंटरनेशनल खेल की तैयारी चल रही है। इंटरनेशनल खेल की तैयारी चल रही है, बस थोड़ी थोड़ी लेवल भी हाई हो कर रही हूँ मैं अपना। मेरे सर कहते हैं, मतलब जैसे कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, तो एक पन्ना है लिखने का, ये पूरी किताब बाकी है। ये मेरा पहला खेलो इंडिया का ब्रॉन्ज मेडल लगा है, इसके आगे अभी और बढ़ना है मुझे। ये गेम है एक सेल्फ डिफेंस का बहुत अच्छा जरिया है, और इसमें गेम के प्रति, क्योंकि ये कॉम्बैट गेम है, हिटिंग कॉम्बैट गेम है, तो हम लोग हमेशा डरते हैं। इस समाज में एक धारणा है कि हम लोग गर्ल्स को कैसे इसमें डालें, तो ये सचमुच मैंने हैड्स ऑफ है सिन्हा जी को, मैंने हमारे अंकल है ये रंजीत कुमार सिन्हा जी, और इनकी माता जी को, जो यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ा योगदान दी है, क्योंकि इनके भैया भी प्लेयर हैं, तो इस बात को समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार का गेम होता है कराते है ना। और उसमें आप रख करके अपने बच्चों को वहाँ तक लेके जाना, स्पोर्ट्स के अंदर में कहीं भी कोई मर्सी नहीं होता है इसमें, आपको लगातार कॉम्बैट करना, मैंने ये डर बना रहता है सभी को कि हिट हो जाएगा तो क्या होगा भविष्य में, सभी जो एक जनरल साधारण लड़की के लिए ज़्यादा समस्या होती है। जी जी, साधारणतः पेरेंट ये समझ बैठते हैं कि मेरी लड़की है, अगर उसे चोट लग जाएगा तो उसका कैसे क्या होगा, बेसिकली शादी ब्याह कैसे करेंगे क्या करेंगे। बट हैट्स ऑफ टू मैंने इनके पेरेंट को कि ये एक दृढ़ विश्वास के साथ इस गेम में रखे हैं, आज एक आत्मबल मिलता है इस गेम को करने से, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ्टी में रख सकते हैं आप,
खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और एज ए स्पोर्ट्स तो ये काफ़ी अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है बच्चों को, विशेष करके गर्ल्स को तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है। वर्तमान में बहुत सारे गेम्स में है, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले भविष्य में इसको रेलवे में भी देखेंगे। ठीक है, सौमित्र गांगुली, रिपोर्ट टाइम्स बांग्ला।